नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर हिमाचल में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। इंडोर स्टेडियम नूरपुर को मिलेगा पर्याप्त बजट और स्टाफ, खेल मंत्री विक्रमादित्य का ऐलान। जिंदगी के इस मोड़ पर सरकार ने भी छोड़ दिया साथ, पेंशन के लिए दर दर भटक रहे एचआरटीसी के कर्मी। अप्रैल की पेंशन जून में, ये कहां का न्याय। हमीरपुर में एचआरटीसी पेंशनरों ने जताई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को नूरपुर इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के संचालन में आड़े आ रहे बजट व स्टाफ की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने इंडोर स्टेडियम के निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए रूरल ओलंपियाड आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर में 40,000 युवा भाग लेंगे। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक की जाएगी, जिसमें उन खेलों को जो कि कैटेगरी सी व डी में है, उन्हें एक कैटेगरी में लाया जाएगा। जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है, और न ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, तो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में पीडब्ल्यूडी इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें दो फेज़ और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। What does it take to be your best at Shulini University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's number one private university. हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालत ये है कि अब पेंशन नहीं मिलने के चलते ये पेंशनर प्रदेश सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन बुजुर्गों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों द्वारा जगह जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने को लेकर तंज कसा है। पेंशनर्स का कहना है कि वह पेंशन के लिए तरस रहे हैं, यहां तक कि उनके पास बीमारी की हालत में दवाई तक लेने को पैसे नहीं है। पेंशन को लेकर प्रदेश में सरकार कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाई ताकि वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। हमारी समस्या सिर्फ एक सबसे बड़ी समस्या तो पेंशन की है कि पेंशन हमारी जो है समय पर नहीं आ रही है। 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीने भी लग रहे हैं, हमारी पेंशन नहीं आ रही समय पर। पहले एक बार 21 तारीख को पेंशन आई, फिर दूसरी बार 23 तारीख को पेंशन आई, अब तीसरी बार जो है 2 महीने के बाद 3 तारीख को हमारी पेंशन पड़ी है। और जब हमारे को हर महीने पेंशन ही नहीं आएगी तो हम हर महीने का खर्चा कैसे करेंगे। तो दूसरे हमारे और जो है मेडिकल बिल हैं वो 2-2 साल तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कोई भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। तो हमारे जो वृद्ध साथी है जिन्होंने 35-35 साल सेवाएं दी है, वो आज बीमारी के कारण जूझ रहे हैं और उनके पास पैसा ही नहीं है। जब पेंशन नहीं आएगी, मेडिकल बिल नहीं आएंगे, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, कैसे हम शरीर को चलाएंगे, कैसे हम इलाज कराएंगे, कैसे घर का पालन पोषण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी
जिस मंच पर जाते हैं वही कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश का व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। लेकिन मैं पूछना भी तो चाह रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर HRTC के वृद्ध कर्मचारियों का क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि उनको 1 महीने नहीं 2 महीने नहीं के बाद ही पेंशन दी जाए और उनके अन्य कोई भी भत्तों का सुनाई करने के लिए कोई भी तैयार ना हो? क्या यही व्यवस्था है इस बुजुर्गों की, जिनको कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाए, वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ रहे, कैसे रहेंगे? तो मैं फिर अनुरोध करूंगा सरकार से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, कि हमें हिमाचल पथ परिवहन निगम कल्याण संगठन, सेवानिवृत्त कल्याण संगठन को राज्य के पदाधिकारियों को बुलाएं और टेबल टॉक करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, ताकि हम सरकार के विरुद्ध ना जाएं। अगली रूपरेखा यह है कि हमारे राज्य कार्यकारिणी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय परिवहन मंत्री जी को अपना मांग पत्र एक बार नहीं 3 बार सौंपा हुआ है और समय मांगा हुआ है और समय मिल नहीं रहा है। तो अगर उच्च समय पर, मतलब कहने का यह है इस महीने के या इस हफ्ते में या अगले हफ्ते तक अगर समय नहीं दिया गया तो हम विशाल रैली जो है शिमला के अंदर जा कर के पूरे हिमाचल प्रदेश के साथियों को लेकर के करेंगे। लेकिन नहीं चाहते हुए भी अगर सरकार करवाना चाहती है तो हम करने के लिए मजबूर होंगे। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की बैठक चालक प्रशिक्षण केंद्र बस स्टैंड हमीरपुर में जिलाध्यक्ष अजमेर ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कहा गया कि निगम प्रबंधन द्वारा जो भद्दा मजाक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अप्रैल महीने की पेंशन देने के लिए किया गया है, कल्याण मंच इसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों ने निगम में रहते हुए 30 से 35 वर्ष तक अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात लोगों की सेवा की। उन्हें इस पड़ाव में पेंशन कभी 18 तो कभी 27 तारीख को दी जाती है। अप्रैल महीने की पेंशन तो 2 जून को खातों में डाली गई है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हर माह की पेंशन पहली तारीख को देने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें हर माह पेंशन के लिए और परेशान न होना पड़े। हरियाणा जी की बैठक जो है मासिक बैठक आज हुई है, सब हर महीने की 7 तारीख को बैठक होती है। बैठक में मुद्दे क्या क्या बताऊँ, आप लोग भी भलीभांति परिचित हैं, मुद्दे हमारे बहुत, परंतु जो हमारी पेंशन देने के लिए जो प्रबंधन है वो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है, वो हमें पसंद नहीं है। अप्रैल माह की पेंशन देने के लिए उन्होंने 3 बार हमें ठगा है कि कल पेंशन पड़ जाएगी, परसों पड़ जाएगी, परंतु अप्रैल माह की पेंशन जो 2 जून को पड़ी है, जबकि ये हमारे साथ सारा सारा न्याय हो रहा है। हम तो हमारे लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि HRTC में हमने सेवाएं दी, 35-35, 40 साल हमने सेवाएं दी हैं परिवार से दूर रहकर, ठंड में, कड़कती धूप में, बरसात में, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? ये जो हमारे को इस उम्र में ठग रहे हैं, हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे, समय पर एयर हमारा नहीं मिल रहा है, मेडिकल बिल हमारे नहीं मिल रहे हैं, पेंशन जो पहली तरीक को हर विभाग को मिलती है वो हमें 2 महीने बाद मिली है, बड़े शर्म की बात है। और हम अदा कर देना चाहते हैं निगम प्रबंधन को कि हमारी पेंशन जो समय पर दी जाए, अन्यथा निगम प्रबंधन का ग्राफ जो है बड़ी जल्द हम करने वाले हैं। दूसरा, हमने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को शेरा रेस्ट हाउस में दिया था नदौन में 6 फरवरी को, तो उन्होंने हमें अप्रैल माह तक के लिए रुकने के लिए कहा था, परंतु अब जून महीना शुरू हो गया है, हमने ये स्मरण पत्र जो है तैयार कर रखा है, और स्मरण पत्र जो है हम माननीय मुख्यमंत्री को जैसे ही हम इधर आते हैं हम उन्हें देंगे और बैठक के लिए समय देंगे। और हमें आस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन परिवार से हैं, उनके पिताजी भी हमारे HRTC में ड्राइवर थे, तो हम आस करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारी पेंशन का स्थायी समाधान करेंगे। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।